नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। बहुत ही बढ़िया है और दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। और मुझे तो लगा मेरी स्टोरी है, मेरे डैडी जिंदा, लेकिन मैं भी जीरो से चालू किया हूँ और सेल्फ मेड मैन हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे भी लोग लाइक करते हैं तो ये फिल्म को भी लाइक करेंगे। और मैडम की भी फिल्म और मैडम का काम भी मैंने देखा, बहुत अच्छा है। हीरो भी का रोल भी अच्छा है। तो ये पिक्चर भी आई थिंक जनवरी में नए साल में धमाका करेगी। एक्चुअली ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, थोड़ी नर्वसनेस है बिकॉज 18 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है। और काफ़ी अलग तरीके की फिल्म थी क्योंकि जहाँ का बैकग्राउंड लिया है, जहाँ के लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो उस हिसाब से उस कैरेक्टर में ढलना लिटिल बिट डिफिकल्ट था। बट काफ़ी इन्जॉय किया और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी हर चीज़, हर एक कैरेक्टर को, हर एक सीन को। सो ईजिली हम लोग उस चीज़ को कर सकें। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा फिलहाल तो एक्टर की नज़र से ही बोल पाऊँगा कि खुद को स्क्रीन पर देखना और डायरेक्टर का विजन अगर मेरे थ्रू कंप्लीट हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। और मुझे सीरियसली अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती है कि डायरेक्टर के विजन को आप साकार कर दो बस। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर को वो काम अच्छा लग रहा है, बस फिलहाल तो यही। सर, एज अ कैप्टन ऑफ द शिप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंस्पायर हुए इस कहानी से, थोड़ी सी अगर कैसे शुरुआत हुई इस कहानी की अगर थोड़ा बताएं हमें। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जैसे आपको मालूम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पार्ट है और वहाँ पे 8 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट 8 बोलते हैं, है ना, 8 सिस्टर्स बोलते हैं, उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है। और ये स्टोरी जो है वहाँ का जो कैपिटल है ईटानगर में एक बंदा है जिसका नाम है युमलंग अचूं, उसके ऊपर बेस है। जो जब छोटे से लेके छोटे में जब उसका पूरा अनाथ हो जाता है तो वो पूरा उसको फैमिली उसको संभालनी है वहाँ से लेके, फिर वो कैसे बड़ा होता है, बड़ा होके जब वो अपना रोड में कंघी लिपस्टिक ये सब बेचने के लिए उसको मतलब छोटा छोटा काम करके वो बड़ा आदमी बनता है। और जब वो अपनी दुकान लगाता है रोड साइड में तो उसको टेररिस्ट लोग आके उसको लूटपाट लेते हैं। वहाँ उसको लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, इतने लोग हैं मार्केट में, जैसे आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा कि वो अपना खुद एक गैंग बनाता है और फिर वो गैंग से वो उस जगह को प्रोटेक्ट करता है। तो आज वो वहाँ का मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और आने वाले इलेक्शन में वो खड़े हो रहे हैं फॉर MLA। तो ये बहुत पावरफुल सब्जेक्ट था और रियल था, तो रियल होने के कारण हमने इसके ऊपर पिक्चर बनाया। एक्टर से जानना चाहूंगा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े प्लेइंग दिस रोल कैरेक्टर। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि एक बिल्कुल अलग स्टेट की कहानी है और जिस स्टेट से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो वहाँ की जो परिस्थिति है, वो चाहे मौसम के हिसाब से हो, चाहे पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हो, तो उन सबको समझते हुए और स्क्रिप्ट को उसमें मिलाते हुए उसको परफॉर्म करना, तो ये चैलेंज था जिसको मतलब चूँकि हमारे पास बहुत मतलब एक सीमित चीज़ें थी, तो हमें मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि भाई जो निर्देशक कहे एज इट इज़ आप करते चले जाओ और आपका काम वहाँ कम्प्लीट हो जाता है। It does have a message, and little boy will bring, you know, like that inspirational message, I must say. Challenging instance, like director sir has mentioned, like, you know, because, you know, Arunachal is a land of rising sun, you know, even the sunset goes down very early. So to, you know, like the one shift, 12 hours to complete the one shift was actually very, you know, like very difficult. So that was the only thing, because like in Mumbai we have like, you know, like longer day, you
know, a longer time to shoot. Apart from that, everything was perfect. Secondly, it's a beautiful love story, painful love story. I got connected when I entered business, and I guess my home.